हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल खुर्रम व्लॉगर पर। और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट खुर्रम व्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देने वाला हूं पूरी डिटेल एयरपोर्ट लाउंजेस के बारे में। बताऊंगा आपको टर्मिनल 3 पर लाउंजेस कहां कहां पर अवेलेबल हैं, क्या उनके चार्जेस हैं और कौन कौन से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है, प्लस कौन सा शॉर्टकट रास्ते से आप जल्दी से जल्दी लाउंजेस तक पहुँच सकते हैं, प्लस अगर आप एयरपोर्ट पर जल्दी आ गए हैं तो कौन से लाउंजेस में बैठकर आप फूड का और रेस्ट का मजा ले सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई वक्त खराब किए। अगर आप टर्मिनल 3 से कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो और अगर आप एयरपोर्ट पर जल्दी आ गए हैं, बोर्डिंग पास लेने के बाद, सिक्योरिटी करने के बाद आप इस एरिया में आ जाते हैं और जैसे ही आप सिक्योरिटी करेंगे आप देख पाएंगे सामने काफ़ी बड़ा रिटेल एरिया आपको दिखने वाला है, जिसके दोनों तरफ बहुत सारी ब्रांड के आउटलेट्स आपको मिल जाने वाले हैं। तो आपको सीधा स्ट्रेट जाना है। आप देख सकते हैं सामने आपको डायरेक्शन के लिए भी साइन बने हुए हैं। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए, गेट्स के लिए जाने के लिए 27 से 62 आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। सामने मिलने वाली आपको फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, किस फ्लाइट का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या गेट नंबर है, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड ना जाकर मैं आपको दिखा देता हूं कितना बड़ा रिटेल एरिया है। आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाना है, आपको लाउंजेस तक जाना है तो आपको सीधा स्ट्रेट जाना है और आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक काफ़ी बड़ी क्लोदिंग की आउटलेट मिल जाएगी, वहाँ से आपको सीधे सीधे स्ट्रेट जाना है। जैसे ही आप ये आउटलेट क्रॉस करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे एक कॉर्नर में दिख जाने वाली है लिफ्ट। लिफ्ट में आने के बाद दोस्तों लेवल 3 आपको प्रेस करना है। अभी आप डिपार्चर लेवल 2 पर हैं तो आपको 3 पर जाना है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, आप किसी भी एयरलाइन का अगर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं तो उनके अंदर लाउंज एक्सेस ऑलरेडी होता है। आप टिकट बुक करने के बाद अपनी एयरलाइन से चेक कर सकते हैं कि क्या उनके टिकट पर, बिजनेस क्लास टिकट पर लाउंज एक्सेस है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं ये एयर इंडिया का इतना बड़ा लाउंजेस है। तो जो भी एयर इंडिया के फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास या फिर गोल्ड कार्ड मेंबर या फिर प्लेटिनम कार्ड की मेंबरशिप जिनकी होती है, वो लोग सभी यहाँ पर आते हैं और उनकी फ्लाइट में टाइम जब होता है वो लोग यहाँ पर बैठकर रेस्ट करते हैं, प्लस फूड का मजा लेते हैं। जो भी एयर इंडिया के पैसेंजर हैं सिर्फ वो ही इस लाउंज के अंदर आ सकते हैं जिनका गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड है या फिर फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी वॉक इन आप नहीं जा सकते और पैसे पे करके भी आप इसके अंदर एक्सेस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, बाकी लोगों के लिए ये लाउंजेस आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, बहुत ही बड़ा लाउंज है टर्मिनल 3 पर। ये डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए है, जो भी टर्मिनल 3 से डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। लाउंज का नाम है एनकाम लाउंज, इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो दोस्तों, लाउंज चेक इन करने के लिए आपने देखा कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और दोस्तों, यहाँ से ही जाके आपको अगर लाउंजेस नहीं जाना है तो स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो इतना बड़ा फूड कोर्ट एरिया आपको मिल जाने वाला है और वहाँ से ही नीचे जाके फिर आप गेट्स के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं बैंक के, तो आप एक बार अपने बैंक से ज़रूर कनेक्ट करें और उनसे मालूम करें कि अगर आप कोई फ्लाइट लेने जा रहे हैं T3 से या टर्मिनल 1 से या टर्मिनल 2 से, कि क्या उनके कार्ड में लाउंज एक्सेस है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके कार्ड में लाउंज एक्सेस है तो दोस्तों आपका बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज कटेगा। लाउंज में जाने के लिए 2 रुपीज़ शायद डिडक्ट होता है या 2 रुपीज़, आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी आपने यूट्यूब पर कि सिर्फ 2 रुपीज़ डिडक्ट हुए और लाउंज में आप फूड का मजा ले सकते हैं, बाकी वहाँ पर बैठ के आराम से रिक्लाइनर पर रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ टर्मिनल 3 से अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो दोस्तों, जैसे ही आप अंदर आते हैं अपना चेक इन कराने के बाद, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करने के बाद, तो इतना बड़ा ये ड्यूटी फ्री एरिया आपको दिख जाने वाला है। जैसे ही आप ये ड्यूटी फ्री एरिया क्रॉस करेंगे तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ बहुत छोटे रास्ते से लाउंजेस तक, जहाँ पर आपको लाउंजेस मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। जैसे ही आप ये ड्यूटी फ्री एरिया क्रॉस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्किंग बनी हुई है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं लाउंजेस के लिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं, स्ट्रेट जाने के बाद वो रिटेल एरिया में चले जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर भी स्ट्रेट नहीं जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ते ही ये मिल जाने वाली है लिफ्ट। यहाँ पर भी दोस्तों आपको लेवल 3 प्रेस करना है। अभी हम हैं इंटरनेशनल साइड, अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लाउंजेस कहाँ पर है वहाँ पर मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम लिफ्ट से इंटरनेशनल की तरफ भी आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाने वाला है एयर इंडिया का काफ़ी बड़ा लाउंज, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर एयर इंडिया से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा है, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास है, या उनका कोई गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड या स्टार अलायंस का मेंबर्स है, वो लोग आकर यहाँ पर अपनी फ्लाइट के लिए वेट करते हैं, खाने का मजा, रिक्लाइनर सीट्स पे लेते हैं रेस्ट का।
तो दोस्तों जैसे ही आप ये दोबारा से आगे बढ़ेंगे राइट हैंड साइड पे, ये देखिए काफी बड़ा लाउंज है एयर इंडिया का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाने वाला है आपको एनकाम लाउंज फिर से। और आप देख सकते हैं यहाँ भी काफी रश है और ये लाउंज भी काफी बड़ा है और काफी लोग यहाँ पर पे करके भी जा सकते हैं। चार्जेस मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्या क्या चार्जेस है अगर आप वॉक इन जाना चाहते हैं, पे करके जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके कार्ड में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस है तो नॉमिनल सा 2 रुपीस डिडक्ट होंगे आपके कार्ड से और आपको ये लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लाउंज बना हुआ है T3 पे और ये अभी न्यूली ओपन है। इससे पहले यहाँ पर प्रीमियम प्लाजा लाउंज था जो काफ़ी लोग पहले ट्रैवल करते थे, वो लोग ये बात जानते होंगे। तो दोस्तों इसके आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक और सर्विस लाउंजेस के बराबर में ही अवेलेबल है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाते हैं तो लाउंजेस अगर आपको जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर स्पा का भी मज़ा ले सकते हैं। एनकाम करके स्पा का ये नाम है, इसका मैं रेट लिस्ट आपको दिखा देता हूँ तो आप ये वीडियो में देख लीजिएगा, ये इनकी रेट लिस्ट है। आप स्पा का भी मज़ा ले सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट Terminal 3 से ले रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तो था डिपार्चर का अगर आप फ्लाइट से कहीं भी T3 से जा रहे हैं, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ Terminal 3 पर एक बार जब आप आ जाते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट से तो कहाँ पर लाउंज अवेलेबल है अराइवल के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही डोमेस्टिक फ्लाइट से आप अराइवल से उतर के आते हैं तो आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, जैसे ही अराइवल होल आपने बैग लेके अपना क्रॉस किया तो आपको इस ग्लास डोर से दोस्तों राइट हैंड साइड पे जाना रहेगा। सामने बहुत बड़ी मार्किंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, सारी डिटेल दी हुई है, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, पूरा मैप एयरपोर्ट का दिया हुआ है और आपको कहाँ जाना है सब दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप बाहर निकलते हैं इस तरीके से आपको राइट हैंड साइड पे जाना पड़ रहेगा अगर आपको लाउंज जाना है अराइवल में। तो दोस्तों एक लाउंज जो अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देने वाला हूँ यहाँ पर अभी। दोस्तों जिस लाउंज में मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ उस लाउंज में आपको मोस्टली रेस्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर आपको खाने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं स्नैक्स वगैरह मिल पाएगा बट आपको वहाँ पर रिक्लाइनर्स और रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा लाउंज है अराइवल में। आप किसी फ्लाइट से आए हैं और आपकी नेक्स्ट फ्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप अराइवल में जैसे ही बाहर आएंगे डोमेस्टिक फ्लाइट के तो राइट हैंड साइड पर आपको जाना है तो ये शावर एंड नैप करके आपको ये लाउंजेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर जाके आप शावर भी ले सकते हैं प्लस यहाँ पे सो भी सकते हैं, उसके लिए आपके चार्जेस में रेट लिस्ट दे देता हूँ आप देख लीजिए इस वीडियो के अंदर, ये इनके चार्जेस हैं। तो यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आए हैं तो जैसे ही आप अपना बैग लेके कस्टम क्लियर करके राइट हैंड साइड पर आएंगे तो आपको मिल जाने वाला है एनकाम का ये वाला लाउंज, यहाँ पर आपको स्नैक्स और आपको रेस्ट करने का काफ़ी कम्फर्ट एंड लग्जरी मिल जाने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मेरी वीडियो पे जरूर कमेंट करें, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा।